तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। आपको पता ही है ये डांस की वीडियो नहीं है, मेरे कुकिंग की वीडियो है। आज पता है आपको मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगी? आज मैं आपको मशरूम बनाना सिखाऊंगी। मशरूम बनाने के कई तरीके हैं, पर मैं आपको आज मशरूम मसाला बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मशरूम मेरे फेवरेट है। और मैंने सोचा कि झटपट से जो जल्दी बन जाए आज मैं आपको वो सिखाती हूँ। और भी मैं तरीके बताऊंगी मशरूम बनाने के, पर आज मैं आपको मशरूम मसाला बनाना सिखाऊंगी। चलिए आइए मेरे साथ मेरे किचन। मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको सब्जियां काट के बता रही हूँ। मैंने ये दो प्याज लिए जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़ा सा लहसुन लिया है उसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसी हरी मिर्च ली है उसको भी मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है और जो क्या कहते हैं उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने मशरूम लिए हैं, उसका डंठल मैंने हटा दिया है, और उसके भी एक मशरूम में से मैंने चार स्लाइस कर लिए हैं। मशरूम मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ मशरूम, और साथ में ही चाहिए हरी मिर्चें, और कुछ प्याज, कुछ सरसों के दाने, और चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, और कड़ी पत्ता, और थोड़ी सी काली मिर्च। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। साथ में ही मैंने थोड़े से सरसों के दाने डाले हैं, कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं। अब इसको मैंने अच्छे से हिला लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो छोटे छोटे चॉप करे थे मैं वो डाल रही हूँ, उनको भी अच्छे से मैं पकाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, और साथ में ही मैं थोड़े से प्याज डाल दूंगी जो मैंने चॉप करे हुए हैं, और प्याजों को मैं अच्छे से पकाऊंगी। और जब वो हमारे प्याज पक जाएंगे तो मैंने जो मशरूम लिए थे उसको भी मैं इसमें ही डाल दूंगी और अच्छे से हिलाऊंगी, और चिली फ्लेक्स डालूंगी, और साथ में ही मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और नमक डालने के बाद मैं उनको अच्छे से हिलाऊंगी। मशरूम में बहुत पानी होता है इसलिए उसको मैं थोड़ी देर अच्छे से ढक कर रखूंगी जिससे उसका पानी सूख जाए। जब वो पानी सूख जाएगा उसके बाद मैं ढक्कन हटा के इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी, फिर मैं ऊपर से धनिया डालूंगी। आप इसकी जगह पालक के पत्ते भी काट कर डाल सकते हैं। देखा आपने मशरूम मसाला कितनी जल्दी से तैयार हो गया, टाइम भी कुछ नहीं लगा। आप सर्दियों के मौसम में इसे पालक के साथ बनाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आगे हम और वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।